हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का स्मार्ट केशव ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष अग्रवाल। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप बिना तत्काल के कंफर्म टिकट कैसे प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों होता क्या है, कभी कभी हमें रेलवे में जर्नी करनी पड़ जाती है, मतलब अचानक से मतलब हमें कहीं जाना पड़ जाता है और उस टाइम पर हमें टिकट देखते हैं तो रेलवे की हमें टिकट नहीं मिलती है, तो हमें तत्काल टिकट लेना पड़ता है। और तत्काल टिकट के लिए भी दोस्तों हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, मतलब कभी हमें तत्काल टिकट मिलता नहीं है। अगर हम ऑनलाइन टिकट बुक करते हो तो नेट स्लो हो जाता है या रेलवे काउंटर पर इतनी भीड़ होती है जिससे तत्काल टिकट नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें आप बिना तत्काल के अगर एक दिन दो दिन तीन दिन पहले भी अगर जर्नी करते हो तो आपको कन्फर्म रेल टिकट मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक का देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को आप कहीं पर भी मिस करते हैं तो आपको वो ट्रिक समझ में नहीं आएगी। और दोस्तों मैं साथ साथ बता देता हूं, अगर आपने इस ट्रिक को सीख लिया तो आप कभी भी तत्काल टिकट बुक नहीं करोगे, हमेशा दोस्तों इस ट्रिक से कंफर्म ट्रेन टिकट निकाल लोगे। दोस्तों लोग सर्च करेंगे तो 100-100 वेटिंग टिकट दिखाई देगा पर आपको दोस्तों हमेशा कंफर्म टिकट मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पर ले जाकर पूरी बताता हूं कि किस प्रकार आपको कंफर्म टिकट प्राप्त करना है। तो चलिए दोस्तों हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आप जैसे देख सकते हो। अब दोस्तों मुझे एक टिकट बुक करना है जो कि 24 तारीख का करना है और आज हो चुकी है 21 तारीख। मुझे जाना है जयपुर से पुरी, तो मैं दोस्तों सर्च कर देता हूं जयपुर से पुरी। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और जयपुर से पुरी के लिए हम टिकट बुक करते हैं 24 तारीख संडे का, जो कि आज से दो दिन बाद में है। तो दोस्तों अब देखिए ये ट्रेन निकल के आ रही है, एक ही ट्रेन है, बीकानेर पुरी एक्सप्रेस, आप देख पा रहे हो दोस्तों ये ट्रेन है। और मुझे स्लीपर क्लास में ही यात्रा करनी है। तो चेक अवेलेबिलिटी एंड फेयर पर जब मैं क्लिक करता हूं तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कितने यहां पर वेटिंग दिखाई दे रही है। देखिए दोस्तों 79 वेटिंग दिखाई दे रही है, मतलब अगर आप अब टिकट बुक करते हो तो आपको 80 वेटिंग मिलेगी। अब इसके हम कन्फर्म चांसेस देखते हैं तो दोस्तों कितना है। यहाँ पर मैं जल्दी से अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं इस टिकट के कन्फर्म चांसेस देख लेता हूँ कि कितना परसेंट कन्फर्म है। तो आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बुकिंग कंफर्म अप टू 4% है, मतलब 44% चांस आपके कंफर्म का दिखा रहा है, मतलब बहुत ही कम चांस है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ट्रिक दोस्तों अब आई है। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करके दोस्तों इस ट्रेन का रूट देखना है। अब आप देख सकते हो दोस्तों ये ट्रेन बीकानेर से चलती है और हमारा जयपुर का स्टेशन आता है सातवा। और अब आपको करना क्या है दोस्तों, इस ट्रेन में आपको कोई भी एक स्टेशन देख लेना है, मतलब बीकानेर से पिछला स्टेशन, जैसे मान लीजिए मैं नागौर को देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों वेटिंग बहुत ज्यादा है तो नागौर से मैं टिकट बुक करके देखता हूँ। यहाँ पर टिकट का फेयर है 645 रुपए और मैं मान लीजिए इस टिकट को नागौर से बुक करना चाहता हूँ कि नागौर से क्या वेटिंग चल रही। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो 79 वेटिंग है और अब मैं नागौर से इसी ट्रेन को बुक करता हूँ। आप देख लीजिए 14,709 स्लीपर क्लास चेक अवेलेबिलिटी एंड फेयर, वहां पर दोस्तों लगभग 80 वेटिंग थी। और यहाँ पर देखिए आप क्या देखिए, कमाल ही हो गया, आरएसी 69, मतलब सिर्फ 69 आरएसी है जो कि कंफर्म हो सकता है तीन दिन में। 69 आरएसी अगर कंफर्म नहीं भी होता है तो दोस्तों ये आपको आधा सीट जरूर मिलेगा, पर अगर आप टिकट बुक करते हो जयपुर से तो आपको बिल्कुल भी दोस्तों कंफर्म नहीं होगा, आरएसी वो नहीं होगा। वहां पर आपको 645 लगते हैं, यहाँ पर 715, मतलब दोस्तों अगर आप इस ट्रिक को यूज करते हो तो आपको एक कन्फर्म बर्थ भी मिल सकती है। 69 आरएसी है अगर आप यहाँ पर बुक करते हो तो ये कन्फर्म टिकट भी हो सकता है, अगर कन्फर्म नहीं भी मिलता है तो आपकी आरएसी पक्की है। तो दोस्तों यही एक छोटी सी ट्रिक थी कि आप इस प्रकार इसका पूरा रूट देखिए, आप जहां से भी जर्नी करना चाहते हैं वो, और फिर वहां से बोर्डिंग पॉइंट आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने नागौर से टिकट बुक किया और जयपुर जर्नी पॉइंट कर सकते हो। इस प्रकार दोस्तों आप करके क्या कर सकते हो दोस्तों, आप अपनी जर्नी को आरामदायक बना सकते हो। कहां आपको 645 रुपए में दोस्तों ऑनलाइन अगर वो टिकट बुक करते हैं तो अपने आप कैंसिल हो जाती है, तो आपको रेलवे के काउंटर पर जाकर करना पड़ता, और यहां पर आपको आरएसी मिल रहा है, आरएसी भी कन्फर्म हो सकता है, और कन्फर्म नहीं भी हुआ तो क्या है दोस्तों, आपको आधा सीट तो मिलेगा। तो दोस्तों ये छोटी सी ट्रिक थी, मुझे आशा है कि ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने स्मार्ट केशव ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल स्मार्ट केशव ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।